Hello, Assalamualaikum from Run of Kutch. Yes, बोलिए अभी नहीं अब बोलिए अरे वापस अरे मैं नंगा हूँ बोलिए हेलो नमस्ते वनकम होला मरहबा सलाम अलैकुम दिस इज योर मोहम्मद सलीम खान एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK ब्लॉग्स हटा दिया अभी एम एस के सिर्फ आज हम जा रहे कोटेश्वर देखो इंडिया के ना ऐसा कहा जाता है 4K हैं कश्मीर कन्याकुमारी कोटेश्वर एंड यहाँ पर कामाख्या तो हम एक वेस्ट वाले कोने में जा रहे हैं कोटेश्वर और आज की राइड थोड़ी है मतलब आज हमें 200 किलोमीटर चलाना है और रास्ते में जाते जाते कुछ जगहों को भी एक्सप्लोर करना है कल जब हम लोग गए थे सनसेट देखने के लिए तो मैंने वहाँ पर ही कहानी समाप्त कर दी थी लेकिन कहानी एक्चुअल में समाप्त नहीं हुई थी यहाँ पर शाम को एक और कहानी बनी थी वो ज़रा आप देखें तब तक हम तैयार हो जाते हैं निकाल के ना तो मैं सब मिक्स कर रहा हूँ ये है हुसैन भाई ये हमारे सब्सक्राइबर है हुसैन भाई क्या है आज खाने में दो सब्जी खिचड़ी कड़ी सलाद पापड़ गर्मा गर्म चुप गरा खत्म पैसा आ जाओ इसको जब भी खाना अच्छा मिलता है कर स्टेप बहुत सिंपल है जैसे दो टकले यहाँ पर है ठीक करना तू करना उसके हाथ शोल्डर मूवमेंट भी है देख अपने हाथ है ना ऐसे होते हैं इसके हाथ ना ऐसे पूरे ऐसे हो जाते हैं ये देख देख उंगली टेढ़ी है इसकी तमा दम मस्त अब खाना तो खाने दो यार एक गाने ऐसे क्या करे खाना खाते खाते बच जाते ये तो अल्टीमेट सॉन्ग है यार स्वाद आ गया जी स्वाद आ गया मैडम सर महाराजे के लिए मिठाई रखिए इसको खा के मजा आ जाएगा मजा आ गया जी यहाँ पर जब से आया हूँ ना तब से लेकर अब तक खाना अच्छा है नॉन वेज नहीं वेजिटेरियन और मतलब मजा आ गया जब से मैंने मुंबई से राइड शुरू किया तब से लेकर अब तक मैंने अपने हेलमेट का वाइजर साफ नहीं किया और वाइजर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है इसमें सब कीड़े वड़े मरे हुए हैं बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा तो यूजुअली क्या होता है कि हेलमेट का वाइजर साफ़ करना है ना तो एक लोशन होता है उसको रखना होता है फिर उसको पोछना होता है ताकि स्क्रैच ना लगे अगर मैं ऐसे पोछूंगा ना स्क्रैच लग जाएगा हमारे अफ़ान के पास एक ऐसा टेक्निक है वो अफ़ान टेक्निक उसका नाम है उस टेक्निक से वाइजर साफ़ करेंगे और अफ़ान का ये दावा है कि स्क्रैच नहीं लगेंगे तो वो टेक्निक ये दो दिन से यूज़ कर रहे मैं देख रहा हूँ तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी यूज़ कर लूँ टेक्निक इन्होंने अपने हेलमेट पे अप्लाई कर लिया देखो ये कुछ तो इन्होंने करके रखा है अब एक्सप्लेन करेंगे करना क्या है कुछ नहीं करना है टिश्यू पर लेना है पानी में भिगाना है उसको मॉइस्ट एकदम गीला करना है बिल्कुल वाइजर के ऊपर रख देना है पूरा वाइजर कवर कर लो डैब करो बबल्स एयर बबल्स नहीं रहने चाहिए रख के छोड़ दो और फिर आप अगर फ्रेश होना चाहते हो पैकिंग करना चाहते हो वो कर लो हाँ. तब तक इसको रहने दो ऐसे ये सब मैंने किया मैं हाँ. तैयार हुआ तब तक करा हाँ. अभी आपको पहले दिखाया था हेलमेट हाँ. काफी देर से पड़ा है 15-20 मिनट से पड़ा है अभी देखो अभी एक कपड़े से सारा पानी पोंछ लेंगे
कभी भी कुछ कपड़ा या टावल या कुछ भी चलाओ हेलमेट पे, सिंगल डायरेक्शन में चलाने का, ऐसा 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 नहीं करने का, एक डायरेक्शन में चलाया उठा लेने का, एक डायरेक्शन में चलाने का, इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन में, तो अगर गोल गोल घुमा देना स्वर्ल मार्च बन जाते हेलमेट पे, तो रात को लाइट है ना एकदम गोल गोल दिखता है। आप भी अपना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेक्निक आपको मिल रही है, बदले में चाहिए मोहब्बत और कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत मोहब्बत। तो ऐसा है कि यहाँ का जो धूप है दोपहर वाला, वो इतना जानलेवा है कि पूरा जो स्किन है ना मेरा उसने जला के रख दिया। तो अब मेरे को ये यूज करना पड़ रहा, अपने साथ लेके आया था मैं ये सनस्क्रीन SPF 50+। आपने देखा होगा ना वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऐसे लगाते हैं यहाँ वहाँ, तो वैसे पोतने वाला हूँ मैं ताकि स्किन अपनी बच जाए। आह कितना मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा। इसको थोड़ा अच्छे से मैं पेलता हूँ अपने चेहरे पे, इससे थोड़ा बच जाएगा। और जब भी ट्रैवल करो तो अपने साथ एक SPF 50+ का सनस्क्रीन ले लो, ऐसी जगह पे अगर घूमने आ रहे तो। धूप मतलब पता नहीं चलती, अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन स्किन फाड़ के रहती है। अभी क्या हो रहा है ना कि मैं पानी भी लगा रहा हूँ ना चेहरे पे, जल रहा है, इतना फट गया स्किन। एक चीज छोड़ गई जो हमारी मैडम बता रही। मैडम क्या बोला आपने? सिर्फ सनस्क्रीन में उतना मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज नहीं होता, एक अच्छा मॉइस्चराइजर लेना होता है। मैं तो मेरा लिप बाम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी एनीवे तो ये काफ़ी मॉइस्चराइज करता है और ये ऑर्गेनिक है। तो तुम भी, तुम्हारा फेस जो तुम्हारा फट रहा है, इट्स बिकॉज ठंडी भी है बाहर, धूप भी है, तो ठंड में स्किन क्रैक होनी है। और तुम फेस पे कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो? लगाता हूँ एक, मैं लगाता हूँ लेकिन वो बहुत पतला होता है। कोल्ड क्रीम अलग बनते हैं ना, कोल्ड क्रीम भी बनते हैं, ये सब बताया करो मेरे को यार। अपन फिर से आ गए रे ले, चलो ट्रिप वन करेंगे जीरो। कल जब हम राइड किए थे तब नींद कंप्लीट नहीं थी, आज नींद कंप्लीट है। आज रात को अच्छे से सोए हैं, 8 घंटा नींद हुई है। राइड करने से पहले अगर नींद कंप्लीट है ना तो राइड का असली मज़ा मिलता है। अभी हमारा जो स्टॉप होगा, पहला स्टॉप होगा, वो है हाजी पीर दरगाह, जो कि बहुत फेमस है। अगर यहाँ पर आए हो तो एक बार होके जाना ज़रूर, नो मैटर आप हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई, हाजी पीर दरगाह ज़रूर जाना एक बार। क्या हाल है दोस्त? मस्त एकदम, टुकु 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 चलते हैं ये लोग। वापस आ गए टेंट सिटी की तरफ। यहाँ पर जो रिजॉर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो 6:30 बजे से लेकर 8:30 या 9 बजे तक होता है, इतना जल्दी। क्योंकि ना यहाँ पर जो असली कार्यक्रम होता है वो सुबह सुबह ही हो जाता है, मतलब सनराइज़ वनराइज़ जो भी देखना होता है लोगों को। क्योंकि दोपहर में ना, दोपहर में तो आपको पता ही है तड़प रहे हम लोग यहाँ पर राइड करते करते, लेकिन मज़ा भी आता है। जब मैं आसाम में गया था नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहाँ पर इतनी सुबह सुबह लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि 4:30 बजे तक सूरज मतलब उजाला हो जाता है, 5 बजे तक मतलब लोग अपने काम वाम करने पे लग जाते हैं, तो वहाँ पर समझ में आता है। और उसके बाद इतनी सुबह ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ देखा। नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो लगभग 8:30 बजे 8:30 बजे फिर 10:30 बजे तक या 11 बजे तक, यहाँ पर 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। कहीं पे भी हम जब घूमने जाते हैं तो एक ट्रिप में ना सारा घूम के हो नहीं सकता है, 3-4 बार आना पड़ता है। जब मैं सेकेंड टाइम आऊँगा तो यहाँ पर गाड़ी से आऊँगा, यहाँ पर रुकूँगा टेंट सिटी में, ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा होता है। ओए बाबा, जब सामने से ट्रक आया और जो विंड ब्लास्ट हुआ हिला के रख दिया, ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज़ निकली। हम शॉर्टकट ले रहे हैं, शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट भारी भी पड़ सकता है। ओहो, हमारे अफान तूफान फैला के चले गए यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। निकल गए भाई, निकल गए। मैं आता हूँ आराम आराम से आता हूँ। जी हाजी पीर दरगाह हमारे होटल से ये 54 किलोमीटर दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू भाई। हाँ जी, इतनी गर्मी है फिर भी चाय पी रहे, क्या राज है चाय का? मजा आता है होटल गर्मी सर्दी कुछ भी, चाय तो चाहिए। इसके पीछे का जो साइंस है ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन कितनी भी गर्मी हो चाय तो पीते ही।
पूनम में दिखाओ ना बैठे कैसे सही। जमीन वाले आदमी है, उसे जमीन पर बैठ के चाहिए। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे देश की मिट्टी मेरे कपड़ों में है। मेरे देश की मिट्टी मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ साला इतनी मिट्टी उड़ी है सारी जगहों पे है, लेकिन इस देश की मिट्टी में कुछ तो बात मजा आता है। अभी रोड पे हम लोग चल रहे थे, हमने बोला नहीं यार देश की मिट्टी में चला गया। मैंने बोला नीचे उतर गए, मतलब हाँ बोला तुमने लेकिन सपोर्ट किसने किया, फिर हम लोग नीचे चला। नहीं मेरे को लगा हाजीपीर पहुंच जाएंगे जल्दी। ये दे दो ना। हाँ बस इतना ही। हम सब की तरफ से एक चादर चढ़ाने का हमने सोचा है, चढ़ा देते हैं। मैंने ये पहला दरगाह देखा है जहाँ पर मकबरे के पास फीमेल अलाउड। आजिली दरगाह में अलाउड नहीं है, माहिम दरगाह में भी अलाउड नहीं है, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से, और भी होंगे। कैसा लगा तू जाके अंदर? उन्हें ना जब बाहर तुम अंदर गए थे, हाँ, तब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो उन्हें लग रहा था कि मैं हिचकिचा रही हूँ। हाँ। तो वो खुद ही वहाँ पे जो बैठे ना सब जा सकते हो, आप जा सकते हो, वो खुद ही अच्छा आप भी जाओ, आप भी जाओ। वहाँ पर एक बंदे थे, उन्होंने बोला यहाँ पर सलामी देखे हो तो इधर आए सलामी देने। पाँच रुपए थे? अरे वो कावा से की निकालना। दस रुपए। ये ले भाई, थैंक यू जूते संभालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या किया इसने बताओ, क्या किया इसने? इतनी गाड़ी फास्ट चलाई, मजा आ गया। हमको बहुत मजा आ गया कि ऐसा भी कच्छ में है जो गाड़ी चलाने वाला, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा आप चलाओगे। अमीन सुम्मा अमीन। देख रहा भाई, लोग नोटिस कर रहे हैं। मेरा वीडियो हो जाए। पहले जो यूज करता था वो था मामा अर्थ का, वो मेरा खत्म हो गया है। नाक पूरी जल जाती है इसमें। और ऐसा ना कि अगर सनस्क्रीन लगा रहे हो ना तो 3-3 घंटे में लगाया करो, तभी इसका फ़ायदा होता है। एक बार लगाने से कुछ नहीं होता, ऐसा हमारी स्किन के डॉक्टर कहती हैं। दरगाह के आसपास घर भी है, लोग रहते भी हैं यहाँ पर। जो मेन मकबरा था वो था हाजी पीर साहब का, और उसके बाजू में जो भी मकबरे थे ना वो उनके चेले का था, और उनके जो पहले चेले थे वो जहाँ पर वो अल्लाह के बंदे ने हमें कहा कि आप सलाम दे के आओ, और जैसे हम अंदर जाते हैं तो आपको छोटे मोटे और ऐसे मकबरे दिखते हैं, वो उनके बाद वाले चेले का। लो जी पहुंच गए हंसते हंसते लखपत। 28.5 करो दोनों में। देखा हवा कम थी, 8.5 कम थी। रफन भाई तुम्हारा चश्मा किधर है? चाचा ले लिए चश्मा। चश्मा यहाँ है। स्मार्ट लग रही लेकिन। क्या नाम है चाचा आपका? तो ये है किले का गेट। एक्चुअली यहाँ पर काम चल रहा है, मेन गेट ये है, तो मतलब हमारे लिए तभी यही गेट हुआ ना। वेलकम टू लखपत फोर्ट। बहुत ही ऐतिहासिक फोर्ट है। यहाँ पर फोर्ट के अंदर गांव भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। ये आई गेस दरगाह है, और सामने मुझे मंदिर दिख रहा है। इतनी खुशी अफान रो दिया यार, इतनी खुशी। लेंस पहने हो क्या? तकलीफ होगा, अभी बहुत तकलीफ होगा। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और साथ में नवीन भाई ने बिरयानी। सही में मजाक कर रहा था। ओह दही के साथ। ओह हो इतने दिनों बाद, 3-4 दिन से समझ लो हम वेज खा रहे हैं, आज खाएंगे चिकन बिरयानी लखपत फोर्ट के अंदर। नवीन भाई ये क्या चीज़ है? गेस्ट हाउस है क्या यहाँ पर? जींस टॉयलेट है क्या? ये लखपत फोर्ट है और सेंटर ऑफ ट्रेड था ये, बहुत बहुत जाना माना और बहुत रिच
इसलिए इसका नाम लखपत है क्या? इसलिए लखपत था अपेरेंटली. लक और पथ, सिंधी में पथ मतलब पैसे होते हैं. ऐसा कहते हैं कि एक दिन में मतलब लाखों रुपए कमाते थे वो लोग वो टाइम पे. ऐसा फिर भूकंप के बाद सब तो बदल एक बार गया. भूकंप आया वो लोग पूरा फ्रॉम द ग्राउंड वापस बिल्ड अप हुए. फिर दूसरी बार जब भूकंप आया तब से अब तक जस्ट ऐसे ही है. तब से अब तक लखपत तब से अब तक लखपत नहीं नहीं सूट नहीं हो. अब हम यहाँ कहीं तो जा रहे हैं. यहाँ ऊपर चढ़ेंगे अपन. हाँ गोल मंडे में. किस में? गोल मंडे अंडे क्या? मंडे गोल मंडे. गोल मंडे में मिड डे मील करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना फ़ोन कहीं गिरा दिया. डाउट ये है कि शायद गाड़ी में छूट गया या फिर वहाँ जो गेस्ट हाउस के पास गया था वहाँ पर मैंने जंप मारा ना. मे बी शायद वहाँ पर छूट सकता है क्योंकि यहाँ पर जेब थोड़ा लूज है. नवीन नवीन चाबी दो ना गाड़ी की. मिल गया जी फ़ोन गाड़ी में ही था. अगर मुझे कन्फर्म पता होता कि गाड़ी में ही है तो फिर वापस नहीं आता. इतना कौन चलता. लेकिन कन्फर्म नहीं था, पता नहीं था. इसके लाके देखना पड़ा. छोड़ कैसे सकते हैं यार. iPhone 12 Pro 256 GB Pacific Blue. है क्या जगह. अरे तोप तो उठा के रख दो. मिला कहाँ पर लेटे हो भाई? आ जा ऊपर. ओहो भाई मेरे को तो हाइट से फटती है. हाँ वहाँ पर कुछ दिख रहा है. ये समंदर है. उतर जाओ भाई मेरे को डर लग रहा है. नीचे लेटो ना. आप भी लेटो आगे. नहीं नहीं भाई नहीं नहीं. उधर कुछ रूइन से महल गया. आ जाओ पहले खाना खा लो. बिरयानी वहाँ खजूर वहाँ तरबूज सबसे जरूरी प्याज और ये है लाइफ. लिविंग माई लाइफ लिविंग माई ड्रीम. लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम. बूम कर देंगे. नहीं बाद में खत्म नहीं. हम तो खा रहे बिरयानी लेकिन नवीन भाई जो है वो वेजिटेरियन है वो खाते नहीं है. तो नवीन भाई ने अपने लिए एक डिश बनाया है. क्या है ये नवीन भाई? थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश डालिए. थोड़ा कुछ दही खजूर वाटरमेलन और अब थोड़ी बिरयानी खाने की भी इच्छा है. चावल डाल लेंगे. अभी आया ना असली एमएस की बिरयानी डली तो नहीं. पहले ये खाते थे अभी इन्होंने बंद किया. ये लखपत विलेज है. वहाँ पर कहीं हमने बाइक पार्क किया है. यहाँ से बाउंड्री है पूरी. और अगर आप लोग ऐसे चिल करना चाहते हो ट्रैवल के मज़े लेना चाहते हो तो कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जहाँ पर भी चिल करोगे मज़े करोगे वहाँ पर सिर्फ कचरा मत करना. देखो हम लोगों ने पूरा साफ कर दिया. यहाँ पर हमने एक भी नहीं छोड़ा. यहाँ पर कुछ लोगों ने ये डेरी मिल्क है. ये विमल है तो भी उठा लो. तो साफ सफाई हो गया. हाँ ये बैग है जिसमें उन्होंने पूरा कचरा रखा है. थोड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं नेचर को तो अच्छा होगा. वैसे ही काफ़ी सारे भूकंप यहाँ पर आ चुके हैं. कहाँ बैठे हैं भाई? देखो कहाँ बैठे हैं ये नवीन भाई. बैठे किधर? उधर से दिखाओ. इधर से नहीं दिखेगा. उधर जाने के लिए हिम्मत नहीं है अपनी. मेरा हाथ पकड़ मैं खड़े नहीं होने वाला हूँ. मैं दिख रहेगा नवीन भाई? नवीन भाई कैमरा दिख रहा है आपको? दिख रहा है कैमरे को. मैं भी दिख रहा है. हाँ तो फिर ठीक है नवीन भाई को देख लो. चलो फिर यहाँ से अभी दो चार फोटो खींचेंगे फिर हम ही निकलेंगे. दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन. काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस था. थैंक यू फॉर विजिटिंग लखपत फोर्ट. आज के दिन का हमारा आखिरी स्टॉप है नारायण सरोवर. उसके थोड़े से 1 किलोमीटर आगे कोटेश्वर है. मुझे ना इस ट्रिप में वो वाली फील आ रही है जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था रॉयल इनफील्ड के साथ में. और जो एक्सपीरियंस हो रहा था कि सुबह सुबह राइड हो रही है फिर एक जगह पे पहुंच रहे हैं फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं फिर बाइक चला रहे हैं फिर कहीं पे पहुंच रहे हैं. ऐसे 2-3 महीने में एक ऐसी ट्रिप तो होनी चाहिए. मैं ये हर महीने नहीं कर सकता. मैं पहले बता रहा हूँ अपने को बाइक राइडिंग उतना पसंद नहीं है. यह हुई ना बात. ओहो इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर. ये ब्राउन वाला भैंसा. अरे बाप रे अरे बाप रे. ओ भैंस जाओ तुम लोग. अरे हटो. नहीं 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 डर भी लग रहा है इन लोग से. मुझे कोई भरोसा नहीं कहीं पे भी. धूल धूल कर दिया पूरा.
हटो हटो। नारायण सरोवर, क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। रात को तो ठंड बहुत ज़्यादा होती होगी यहाँ पर। ओहो ओहो, क्या जगह है। आज का सनसेट हम देखेंगे कोटेश्वर में, कल का देखे थे कहाँ, मतलब हम जब से यहाँ पर आए हैं सनराइज और सनसेट देख ही रहे हैं और अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। हाँ, भी सेम जगह से देख। पूरा ट्रिप में हम सनराइज को चेस कर रहे हैं, सनसेट को चेस कर रहे हैं, है कि नहीं। ये देख रही है ना, घप दिनी दूंगा, छप दिनी छप जाएगी वहां पर। घप दिनी दूंगा, छप देनी छप जाएगी। अरे बाप, ये कौन है, ये घप देके देगा ना। ये छपरा फाड़ देगा। कल क्या स्टेप था, कल था नीचे। आज आज का आज का आज ये मैगी खाएंगे, मैगी खाएंगे, ठंडी लग रही थी। ऐसे ऐसे मैगी खाएंगे, मैगी खाएंगे, मैगी। वो भी है, ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सनसेट हो रहा है। सुबह सुबह भी ये लोग आवाज़ करते हैं, ये सनराइज हो रहा है, ये लोग का काम ही है। हम लोग कब करते हैं, जब भूख लगती है, या भूख लगी मैगी खाना है। हाँ। मैगी खाना है। लोग जो आइटिनरी बना रहे थे ना, उसमें कोटेश्वर नहीं था, लेकिन नवीन भाई ने बोला कि बनाना चाहिए, अगर कच्छ में आ रहे तो यहाँ का भी आइटिनरी बनाना चाहिए। नवीन भाई, बड़ी खूबसूरत जगह है ना, जैसे रामेश्वरम में दिखता है ना कि भाई हम ऐसे सीधे सीधे निकलते हैं, सीधे दिखता है, वैसे ही वाला ही फील है। बढ़िया है, क्या नज़ारा है यार। कल की तरह आज भी हम इंजॉय करते हैं, कुछ वक्त अपने लिए रखते हैं और ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, आपको मज़ा आ रहा होगा, बाकी सब बढ़िया है। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रोवाइड एक खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम बूम।